तो दिन है गुरुवार का, तारीख है 11 जनवरी 2024, पौष अमावस्या पर चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी व्यायव, राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से शाम को 3 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:16 से लेकर दोपहर 12:50 तक। विशेष क्या है, प्रजापति योग है, ऐसे में पौष अमावस्या मनाई जाएगी और इस दिन खास रूप से भगवान विष्णु के पूजन का और पीपल के पूजन का विधान है। और हमारा विशेष उपाय भी इसी से ही संबंधित है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन भविष्य फल में सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की। मेष, हताश और निराशा से हानि होगी, कारोबार में उन्नति के योग हैं, कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा, न्याय पक्ष मजबूत रहेगा। उपाय ये करेंगे, घर के ईशान कोण में चांदी के आभूषण रखें। वृष, भाग्योदय के योग हैं, मेहनत से सफलता मिलेगी, सहकर्मी मदद करेंगे, दफ्तर में अधिकारियों से सलाह मिलेगी। उपाय ये करेंगे, मस्तक पर केसर से तिलक करें। मिथुन, खान पान पर ध्यान दें, तरक्की के मार्ग खुलेंगे, मन में दुविधा रहेगी, झूठ बोलने से बचें, विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। उपाय ये करें कि वृद्ध व्यक्ति को बेसन का लड्डू दान करें। कर्क, समय पर काम करने से लाभ होगा, जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत सिद्ध होंगे, कारोबार के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। उपाय ये करें कि बेसन से बने व्यंजन खाएं। सिंह, तौर तरीके में बदलाव लेके आएंगे, योजनाओं में बदलाव लाएंगे, कानूनी मामलों में लापरवाही से बचें, परिजनों के विवाह की चिंता रहेगी। उपाय ये करें कि धार्मिक चित्रों पर पीले फूल चढ़ाएं। कन्या, आर्थिक लाभ होगा, मिली हुई जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, खास काम अधूरे रहेंगे। उपाय ये करें कि धर्मस्थल में बेसन की मिठाई चढ़ाएं। तुला, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, दफ्तर में सहकर्मियों से विवाद के योग हैं, आय के स्रोत बढ़ेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। उपाय ये करें कि पीपल पर दूध चढ़ाएं। वृश्चिक, व्यवसाय में नए अनुबंध की संभावना है, आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई तकनीक के प्रयोग से लाभ होगा। उपाय ये करें कि दूध में हल्दी मिलाकर पिएं। धनु, समझदारी से लाभ होगा, मानसिकता में बदलाव लेकर आएंगे, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। उपाय ये करें कि किसी धार्मिक व्यक्ति को केला दान करें। मकर, पिछले निवेश से लाभ होगा, किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे, सावधानी से निर्णय लें, शत्रुओं से सतर्क रहें, यात्रा के योग हैं। उपाय ये करें कि पीली सरसों कर्पूर से जलाकर धूप करें। कुंभ, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को समझकर काम करें, निजी बातें और व्यापारिक योजनाएं गुप्त रखें, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। उपाय ये करें कि कागज पर हल्दी से श्रीम लिखकर पर्स में रखें। मीन, धन प्राप्ति होगी, जोखिम भरे कामों से बचें, अजनबियों पर भरोसा ना करें, आत्मबल में वृद्धि होगी, शत्रुओं से सतर्क रहें। उपाय ये करें कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो पितृदोष के प्रभाव को कम कर देगा। देखिए, पौष अमावस्या का दिन है अश्वत्थ के पूजन का, दिन है नारायण भगवान विष्णु के पूजन का। तो ऐसे में क्या करें, पितृदोष के प्रभाव कम करने के लिए भगवान विष्णु पर काले तिल चढ़ाएं और चढ़े हुए जो काले तिल हैं उसे पीपल पर डाल दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम कर्तरे नमः, आश्वस्त करता हूँ, पितृदोष के प्रभाव निश्चित कम होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।